डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। प्राचीन भारत जो हम कर रहे थे, प्राचीन इतिहास, आज हम शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य, ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल रहता है लगभग बेटा 319 से लेकर छठी शताब्दी तक, सिक्स सेंचुरी तक जो है गुप्त साम्राज्य का शासनकाल रहता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य को जो है भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग, याद रखना। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इस काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ, कला संस्कृति का विकास हुआ, कला संस्कृति का विकास हुआ, इसके साथ साथ धार्मिक का विकास हुआ, धर्म का विकास हुआ, ठीक है ना। स्थापत्य कला का विकास हुआ, कला संस्कृति का विकास हुआ, धार्मिक का विकास हुआ, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, संस्कृत साहित्य का विकास, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला की दृष्टि से, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो स्रोत है गुप्त काल को समझने के लिए जो स्रोत है, जैसे कुछ पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आ जाते हैं, स्तंभ लेख आ जाते हैं, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख जो कि दिल्ली में है, एक आज 1600 साल पुराना बताया जाता है मेहरौली स्तंभ लेख। आज तक इस स्तंभ पर कभी भी जो है जंग नहीं लगा है। इसके साथ साथ आपका एरन अभिलेख है, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख है, भीतरी गुफा अभिलेख है। तो ये सारे के सारे स्तंभ लेख लेख जो है कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ पुस्तकें हैं गुप्त काल की है, पूर्वोत्तर गुप्त काल की है, तो जैसे कालिदास की है, अभिज्ञान संकुतलम है, मेघदूत है, आपका रघुवंशम है, ठीक है ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि के साथ साथ विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र है, ठीक है ना, पतंजलि की जो है आपका विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ साहित्य का क्षेत्र भी हमें जो है क्या बताता है, गुप्त काल के बारे में बताता है, ठीक है, गुप्तकालीन जानकारी प्रदान करता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो लिखा है कुषाणों के साम्राज्य के खंडर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है, कुषाणों का अंत हुआ है और एक नए साम्राज्य का विकास हुआ है जिसको गुप्त साम्राज्य कहा गया है। ये माना जाता है कि गुप्तों के जो पूर्वज हुआ करते थे, गुप्तों के जो पूर्वज हुआ करते थे कुषाणों के ही दरबार में रहा करते थे, कुषाणों के ही दरबार में मंत्री पद पर भी हुआ करते थे, ठीक है ना। कुषाणों का जैसा ही अंत हुआ, कुषाणों के साथ साथ सातवाहन भी यहां पर लिखा गया है, सातवाहन दोनों राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया गया था गुप्त साम्राज्य को। माना जाता है कि जब कुषाणों का अंत हुआ तो पश्चिम में नाग शक्ति का उदय हुआ, उत्तर भारत में जो है गुप्त काल का जो है उदय हुआ और दक्षिण भारत में जो है कहीं ना कहीं वकाटक वंश की जो है आपका जो है वकाटक वंश का उत्थान हुआ। उत्तर भारत में बेसिकली बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में गुप्त साम्राज्य फैला हुआ। गुप्तों को जो है वैश्य कहा करते थे, ठीक है ना, वैश्य हुआ करते थे जो गुप्त है उनको जो है वैश्य कहा करते थे, क्लियर। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक रहते हैं। प्रभावती गुप्ता के पुनः स्थित ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। पुनः स्थित जो ताम्र पत्र अभिलेख है, ताम्र पत्र अभिलेख से जो है श्री गुप्त के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, जो गुप्त वंश के आदिराज के रूप में जिनका वर्णन किया गया और इनका जो गोत्र था
कि धारण गोत्र बताया गया, यानी गुप्तों का जो गोत्र था बेटा वो क्या था, धारण गोत्र बताया गया था। और इसका शासनकाल 280 ईस्वी तक रहा है। और श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इनके बाद इनके जो बेटे हैं घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर 319 ईस्वी तक जो है अगले शासक बनते हैं। घटोत्कच जो है श्रीगुप्त के जो है, श्रीगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है घटोत्कच। इतनी बात क्लियर हुई। महाराजा की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की, तो इन्होंने भी महाराजा की उपाधि ही धारण की थी। प्रभावती गुप्ता में पुना एवं रिद्धपुर ताम्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया है, गुप्त वंश का प्रथम शासक माना गया। लेकिन गुप्त वंश का आप प्रथम शासक किसको मानेंगे, श्रीगुप्त को। ये तो ताम्र अभिलेखों के अनुसार माना गया है घटोत्कच को, लेकिन आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ श्रीगुप्त को। इतनी बात क्लियर हुई। श्रीगुप्त को जो है घटोत्कच जो है, घटोत्कच को नहीं बल्कि श्रीगुप्त को पहला आप गुप्त वंश का राजा या शासक मानेंगे। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक जो है श्रीगुप्त, सॉरी आपका घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। प्रथम इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके बाद वो एक चंद्रगुप्त और भी मिलेगा। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। आप पहला प्रसिद्ध के साथ साथ इसको लिखेंगे वास्तविक शासक, वास्तविक शासक था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक शासक हुआ करता था, किसका बोलो, गुप्त साम्राज्य का। श्रीगुप्त और घटोत्कच महाराज कहलाते थे, जबकि वही चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि से जाने गए, या महाराज धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और याद रखना गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत की मुद्राओं का प्रचलन किया। इसके साथ साथ सोने के सिक्के चलवाए, सोने की मुद्राएं भी जो है चंद्रगुप्त ने ही चलवाई थी। याद रखना सोने की मुद्राएं, यानी सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले, सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे गुप्ता साम्राज्य में, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। इनकी पत्नी हुआ करती थी कुमार देवी, कौन हुआ करती थी कुमार देवी। और कुमार देवी जो है लिच्छवी आपके राजकुमारी हुआ करती थी, लिच्छवी राजकुमारी से जो है इन्होंने शादी की थी, जिनका नाम था कौन, कुमार देवी। क्लियर बात। आगे चलते हैं, इनके उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं समुद्रगुप्त। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त की अगर बात करेंगे तो लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी, इनके पुत्र भी थे और उत्तराधिकारी भी थे समुद्रगुप्त, 335 से लेकर 380 ईस्वी तक रहते हैं बेटा। और गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया, ठीक है। समुद्रगुप्त के एक राज्य दरबारी हुआ करते थे, राज दरबारी कवि हुआ करते थे समुद्रगुप्त के, जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था बेटा, राज दरबारी कवि थे इनके, जिनका नाम क्या था, हरिसेन। याद रखना हरिसेन की एक पुस्तक थी, एक पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, जिनके बारे में इस आपका समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख है। और प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख जो लिखवाया था, प्रयाग स्तंभ लेख अभिलेख जो है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी लिखवाया था इन्होंने के द्वारा लिखवाया गया था, ये भी आपको याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद जो प्रयाग स्तंभ लेख लिखाया हरिसेन ने लिखाया, और इनकी बुक थी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, इन्हें भारत में, किन्हें, हरिसेन को नहीं, इन्हें समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि अपने सैन्य अभ्यास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनकी तुलना ईरान के शासक नादिर शाह ने फ्रांस के शासक नेपोलियन से की थी। नेपोलियन भी अपने युद्ध अभ्यास के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। तो नादिर शाह ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इनकी तुलना की गई फ्रांस के नेपोलियन से। इतनी बात क्लियर हुई। समुद्रगुप्त एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध था जिसकी उपाधि कविराज थी। इसी के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को यानी समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्के जो थे, जो मुद्राएं थी, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं वीणा बजाने में भी निपुण थे। इतनी बात क्लियर भी। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इनके दो बेटे हुआ करते थे। कितने बेटे हुआ करते थे बेटा? दो बेटे हुआ करते थे। एक का नाम था रामगुप्त, एक का नाम रामगुप्त था, दूसरे का नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त, एक का नाम रामगुप्त था, दूसरे का नाम चंद्रगुप्त था। ये रामगुप्त जो था ये बहुत अयोग्य था। कैसा था? अयोग्य। और जब रामगुप्त का शासनकाल चल रहा था तो रामगुप्त के शासनकाल में भारत में शकों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? शकों का आक्रमण हुआ। शकों का जब आक्रमण हुआ तो इनकी जो धर्म पत्नी हुआ करती थी ध्रुव देवी, रामगुप्त की जो धर्म पत्नी हुआ करती थी ध्रुव देवी, ध्रुव देवी को जो है शकों ने जो है मांग की कि हमें ध्रुव देवी चाहिए। तो रामगुप्त ध्रुव देवी देवी को जो है देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ध्रुव देवी किसे प्रेम करती थी? इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त से। और चंद्रगुप्त ने क्या किया? फिर इन शकों को जो है पराजित किया और रामगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। रामगुप्त की जब हत्या कर दी तो उसके बाद अगला शासक बना अपने आप कौन? अगला शासक बना कौन? बना जी अगला शासक चंद्रगुप्त। किस नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। किस नाम से बना बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि जो आपका रामगुप्त थे, रामगुप्त का एक सेनापति हुआ करता था गोपराज। और गोपराज एक युद्ध में, एक सेनापति हुआ करता था रामगुप्त का गोपराज। गोपराज एक युद्ध अभियान में जब मारे जाते हैं तो उनकी जो अंतिम संस्कार की जो प्रथा होती है, उस अंतिम संस्कार में चिता पर उनकी पत्नी जो है छलांग लगा देती है और वो भी जिंदा जल जाती है। तो रामगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी भारतीय इतिहास में हम बोल सकते हैं पहली सती कहलाई। और इसका उल्लेख हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी प्राप्त होता है। क्लियर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर थे। ठीक है ना? कहने का मतलब है ये एक महानतम शासक थे। महानतम, ये कौन थे? एक महानतम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त सॉरी द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन से करवाया था। किससे करवाया था बेटा? रुद्रसेन से। प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से कराया। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से कराया जो ब्राह्मण जाति का। किस कुल का था? ब्राह्मण जाति का। मध्य भारत में और शासन करता था कौन? रुद्रसेन। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को जो है अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? उज्जैन को। और ये भी दूसरी राजधानी, पहली राजधानी कहां हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। पहली राजधानी कहां थी इसकी? पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी कहां बनाया? उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में तीन उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपने शासनकाल में तीन उपाधियां धारण की। पहला उपाधि है विक्रमादित्य और परम भागवत। ये तीन उपाधि याद रखना बेटा, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ये भी आपको याद रखना।
भारत के इतिहास में अपने दरबार में 9 रत्न रखने वाला, कितने रत्न? 9, यानी 9 योग्य अधिकारियों का जो समूह हुआ करता था उसे 9 रत्न बोलेंगे। भारतीय इतिहास में 9 रत्न रखने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आता है 399 ईस्वी में भारत आता है, और भारत में लगभग फायान कितने वर्ष तक रहा बेटा? 15 वर्ष तक भारत में रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? 15 वर्ष तक भारत में रहता है, ये भी आपको याद रखना। क्लियर हुई बात? अच्छा, यहां पर लिखा है इलाहाबाद की प्रयाग, इलाहाबाद की प्रशस्ति अभिलेख जो प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। ये बी एस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, ये भी याद रखेंगे। वैसे तो हमें पता है कि पीछे जो है नादिर शाह के द्वारा जो है नेपोलियन की उपाधि दी गई, बट बी ए स्मिथ ने भी समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट, इसके बबाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया, यानी रजत मुद्राएं भी चलाई थी। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर देवश्री लिखा हुआ करता था। क्या लिखा हुआ करता था? देवश्री। देवश्री मेहरुली से प्राप्त एक लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान की गई। किसकी शासक की? चंद्र नामक शासक की पहचान की गई, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही की जाती है। क्लियर, यानी जो चंद्र नामक शासक का कहीं ना कहीं तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम साम्राज्य का शासक बना। कुमार गुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, उसकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्र द्वितीय आदि उपाधियां लिखी गई होती थी कुमार प्रथम। ठीक है, उसके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योमेशी कहा गया है। जो मुद्राएं चलते थे ये भी उपनाम वहां पर लिखे गए थे। कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की 413 ईस्वी में, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट भी किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा यहां पर जो है आग लगा दी गई थी 1204-5 ईस्वी के आसपास। ठीक है ना, 1204-5 ईस्वी के आसपास जब खिलजी वंश चलता था तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आग लगा दी गई थी। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश हुई। कुमार गुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं कुमार गुप्त के, जिनकी संख्या लगभग कितनी है? 18 है, ये भी आपको याद। नेक्स्ट, स्कंद गुप्त यानी शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। स्कंद गुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहता है। स्कंद गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। ठीक है, इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। कौन अभिलेख से विदित होता है कि इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी? हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। यानी जब स्कंद गुप्त था तब गुप्त शासक या गुप्त साम्राज्य कहीं ना कहीं जो है सिमटता जा रहा था, और हूणों का जो है आक्रमण बढ़ते हुए हूणों का वर्चस्व बढ़ा जा रहा था। ठीक है, तो अंतिम शासक घोषित किया जाता है। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है मैंने पीछे बताया था 510 ईस्वी का है। इस लेख से उसके मित्र गोपराज का उल्लेख मिलता है, जिसने हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से जो है युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई थी। ठीक, जो कि रामगुप्त का सेनापति हुआ करता था। क्लियर, चलिए। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध तक
के मध्य एशिया में हुणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। हाँ जी बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया स्कंदगुप्त ने, लेकिन असफल हुआ बेटा। हुण घुड़सवारी के लिए बहुत कुशल थे और संभवतः धातु के बने रकाबों का भी इस्तेमाल करते थे। याद रखेंगे 485 ईस्वी में आकर हुणों ने अपनी पूर्वी मालवा और मध्य भारत में बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। छठी सदी के आरंभ तक गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित क्षेत्र में रह गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, गुप्त साम्राज्य के समकालीन कुछ वंश चला करते थे, जैसे वकाटक वंश कब चला करते थे और इनके जो है संस्थापक कौन थे, ठीक है, और इनके शासित कौन कौन से क्षेत्र थे। आगे लिखा हुआ है नागवंश भानाग लिखा है, त्रैकुटक राजवंश इंद्रदत्त लिखा हुआ है, पूर्ण राजवंश तोरण मार तोरमांड लिखा है ना, साकलंग राजवंश देववर्मन है, विष्णु कुंडिन राजवंश विक्रमेंद्र स्पष्ट है, और माथुर राजवंश अच्युत शंकर वर्मन। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना कि कौन कौन से आपके शासक कौन कौन से साम्राज्य गुप्त काल के ही समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि जब गुप्त काल चल रहा था उस समय भारत में कौन कौन साम्राज्य और चल रहे थे, किस किस का जो है विस्तार उस समय भारत में हो रहा था, कौन कौन सी शक्ति उभर के आ रही थी। गुप्तकालीन के नाटक है जो मैंने पहले बताया, जो भी विषय है वो दिखा है, अभिज्ञान सांकुलम कालिदास का है, महाग्नि विक्रम कालिदास का है, मुद्रा राक्षस विशालदत्त, मृग कच्छिक मृक्ष कटिकम सुद्र की है, देवी चंद्र गुप्तम विशालदत्त की है, चारु दत्तम भास का है, नाटककार का नाम लिखा है, ठीक है, इनसे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है बेटा। महा मालविका अग्नि विक्रम कालिदास का है, अभिज्ञान सांकुलम कालिदास की है, मेघदूत कालिदास, रेतु संहारम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और दस कुमार चरित दंडिनी की है। ये कुछ गुप्त काल में महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, यायावतार सिद्ध सेन की है, पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है विष्णु शर्मा, चरक संहिता चरक की है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर कोश अमर सिंह की है, राणव रावण वध बतस्य भट्टी की है, वृत्त संहिता बारह मिहिर की है, मृग कच्छ मृक्ष कटिनम सुद्र की है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला टॉपिक हमारा हर्षवर्धन रहेगा, ठीक है ना, तो अगला चैप्टर हम हर्षवर्धन करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, जितना पढ़ा उसको याद करना, लास्ट हमारा हर्षवर्धन रहेगा, क्लियर है बात। चलिए Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.